हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेस्ट 5 फोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो 10,000 रुपीस के अंदर आते हो। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा फर्स्ट मोबाइल जो है वो है Asus ZenFone 3 Max, जिसकी प्राइस है 9,999। और यहाँ पे देखें तो 3GB रैम है, 32GB इंटरनल मेमोरी है, 13 MP प्राइमरी, 5 MP फ्रंट कैमरा और 4,130 mAh बैटरी है और मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड फ़ोन है वो है Xiaomi Redmi Y2। तो ये है 9,999 प्राइस है और यहाँ पे ऑडियो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 3GB रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज है, 12 MP प्राइमरी और 16 MP फ्रंट कैमरा है और बैटरी बैकअप है 3,080 mAh यहाँ पे बैटरी बैकअप है। और थर्ड मोबाइल की बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड मोबाइल है Moto E4 Plus। तो यहाँ पे प्राइस है 8,999 और इसकी है 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी, 13 MP प्राइमरी और 5 MP फ्रंट कैमरा है और यहाँ पे बैटरी बैकअप है, बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप यहाँ पे देता है 5,000 MHz और नुगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्थ नंबर की मैं बात करूँ तो फोर्थ नंबर पे है नोकिया थ्री 9,499 है, नुगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 8 MP प्राइमरी और फ्रंट कैमरा है, 2GB रैम है, 16GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है और बैटरी बैकअप यहाँ पे है 2,630 mAh बैटरी बैकअप है। और यहाँ पे जो लास्ट है फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर पे जो फ़ोन है वो है रेडमी 5। तो इसकी प्राइस है 8,999 और यहाँ पे 3GB रैम है, 32GB यहाँ पे इंटरनल मेमोरी आपको मिल जाएगी, 12 MP प्राइमरी और 5 MP फ्रंट कैमरा है, नुगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे 3300 MHz बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही टॉप 5 मोबाइल्स जो 10,000 के अंदर आते हो और इन सबकी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो के आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।